मजम्मा जोगती। इनकी कहानी बाकियों से बहुत ज्यादा अलग है। इनका जन्म 1957 में हुआ था एज मंजुनाथा शेट्टी इन कालुकंबा विलेज इन कर्नाटका। उन्होंने अपना घर 15 साल की उम्र में छोड़ दिया और 10th स्टैंडर्ड तक अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। इनके पास कोई काम ना होने की वजह से भीख मांगने का सहारा लिया और इसी समय उनको कई बार सेक्सुअली अब्यूज किया गया। फिर एक दिन उन्हें एक पिता और बेटे की जोड़ी ने देखा और उन्हें डांस टीचर कल्लावा जोगती से मिलाया, जहां उन्होंने जोगती डांस फॉर्म सीखा। जोगती डांस फॉर्म कर्नाटका का फोक डांस फॉर्म है और कल्लावा जी की डेथ के बाद इन्होंने पूरे इंस्टीट्यूट को संभाला और पॉपुलर किया लोगों में। मजम्मा जी फर्स्ट ट्रांस वुमन बनी टू हेड द टॉप इंस्टीट्यूट फॉर परफॉर्मिंग आर्ट इन द स्टेट। उनके भिखारी से लेकर पद्मश्री तक का सफर काफी मुश्किलों से और संघर्ष से भरा हुआ था, बट उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। इनकी ये इंस्पायरिंग स्टोरी आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ और ऐसी अमेजिंग पद्मश्री के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।